हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लाई हूं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसको खाने के बाद यकीन मानिए आप बाहर से समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, ब्रेड पकौड़े या फिर ये कहें कि कोई भी फास्ट फूड खाना प्रेफर नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी स्टफिंग के साथ में। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप आटा और 1/2 कप मैदा ली है, और इसमें डालेंगे अजवाइन और 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें हम रिफाइंड ऑयल। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, नमक, अजवाइन और ऑयल को पूरे आटे में अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक परफेक्ट डो तैयार करेंगे। ना डो टाइट बनाएंगे बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा लूज बनाएंगे। परफेक्ट डो जैसा हम पराठे पूरियों के लिए बनाते हैं वैसा ही डो बनाना है। जब तक मैं डो तैयार कर रही हूँ, प्लीज़ एक काम कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। और अब हमारा जो देख सकते हैं डो रेडी है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस करके इसको हम, आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट आपका डो होना चाहिए। अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग मैंने ले ली है सब्जियाँ, मटर ली है मैंने, कैरेट ले ली है और शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी ले ली है, और 2 बॉयल आलू छोटे छोटे से वो कद्दूकस कर लिए, लहसुन और प्याज तड़के के लिए ले लिया है, और फूल गोभी ले ली है उसको भी कद्दूकस कर लिया है। तो ये सारी सब्जियां हमने ली हैं। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना चाहें। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये नाश्ता बनने वाला है वो कितना हेल्दी बनने वाला है। 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया है 1 TSP छोटी चम्मच डाल दिया है जीरा, और जीरा भुनने के बाद डाल दिया है उसमें लहसुन की कलियाँ 5 से 7 बारीक कट करके, और इसको ब्राउन कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हमने जो बारीक कटा हुआ प्याज लिया था वो ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से चलाते हुए, ज़्यादा नहीं भूनेंगे पर इसको ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हम प्याज के बाद ऐड करेंगे और प्याज के साथ में इसको भून लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसको चलाते हुए भून लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोस देख पाएँ। और अब मैंने इसमें डाल दी हैं सारी सब्जियां, जैसे कि फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और मटर, जो सब्जियां ली थी वो सारी इसमें डाल दी हैं, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही इस पर कुक करेंगे, रोस्ट कर लेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप, याद रहे कि नमक आपके आटे में भी है, उस हिसाब से आप नमक ऐड करें इसमें। और अगर मसाले इसमें लाल मिर्च वगैरह डालना चाहती हैं तो आप डाल सकती हैं, बच्चों के लिए बनाएं तो मिर्च स्किप कर दें। और अब मैंने इसमें डाल दिए है सबसे लास्ट में आलू, और इनको सब्जियों में अच्छे से आलू को मिक्स कर देंगे। तो आलू हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि आलू हमारे जो स्टफिंग बनेगी उसको बाइंडिंग देगा, नहीं तो बिखरी बिखरी सी स्टफिंग रहेगी आपकी, इसलिए मैंने आलू ऐड किया है इसमें। अब डाल दिया है 1 मैगी मसाला। मैगी मसाले का टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है तो इसलिए इसमें मैगी मसाला डाल दिया है। ये नाश्ता हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं और बड़ों को भी पसंद आएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और फ्लेम को बंद कर दिया है, अब इसको ठंडा करेंगे। और अब इसमें सबसे बाद में ऐड करेंगे इसमें हम कटा हुआ बारीक धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग आप देख सकते हैं कितनी लुक वाइज कितनी अच्छी लग रही है, उतनी ही टेस्टी है। तो ये हरी भरी और बिल्कुल हेल्दी, इतने सारे वेजिटेबल्स से हमने जो स्टफिंग बनाई है, तो इससे हमारा नाश्ता हेल्दी और टेस्टी रेडी होगा। तो अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट हो चुका है, और अब हम छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। और इसको बेलेंगे, तो इस तरह से मैं सारी लोई बेल लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, 1 चम्मच स्टफिंग 1 रोटी पे आप रखेंगे, और फिर जिस पे स्टफिंग रखी है उसके ऊपर 2री रोटी रखेंगे, और फिर ग्लास की मदद से इसे आप
इक्वल कट कर देंगे। ग्लास की मदद से इसलिए कट किया है ताकि आपकी सारी जो ये रेसिपी जो भी नाश्ता बना रहे हैं इसकी जो शेप दे रहे हैं वो बराबर रहे, कोई छोटी बड़ी ना हो, इसलिए कोई ग्लास या कटोरी की मदद से बराबर कट कर लें। और इसको और सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक चम्मच की सहायता से इसमें ऐसे डिज़ाइन दे देंगे ताकि लुक और अच्छा आए। तो अंदर से तो हमारी ये रेसिपी है ही बहुत हरी भरी और लुक वाइज बहुत अच्छी, ऊपर से भी हम इसको ऐसे करके अच्छे से डेकोरेटिंग कर देंगे इसकी, तो ये और अच्छी दिखेगी। तो इस तरह से आप इसे शेप दे दें। तो ये आप देख सकते हैं हमारी सारी मैंने जो भी ये रेसिपी बनाई है नाश्ता, सारे जो मैंने इनको शेप दी है ये गोल गोल, इसको सब बना लिए हैं। और अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त आपका जो ऑयल है बिल्कुल लो, यानी कि लो टू मीडियम गर्म होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, वैन बबल्स पड़ जाएंगे इस पे। और ये आपकी जो ये आपने बनाए हैं डम्पलिंग्स, ये जो है ये क्रिस्पी नहीं होंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, ऊपर इनके ऑयल डाल देंगे ताकि ऊपर से भी क्रिस्पी हों और इनको जब हम पलटें तो ये दोनों तरफ से अच्छे से हम इन्हें फ्राई कर सकें। फ्लेम को अभी भी लो रखेंगे, जब इनको पलट देंगे तो उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो इस नाश्ते को आप चाहें तो डिनर में, चाहें तो लंच में, और बच्चों के टिफ़िन में, कहीं भी आप इसको रखें, कहीं किसी के लिए भी बनाएं, परफेक्ट बिल्कुल है आपके लिए नाश्ता। और हेल्दी तो आप देख सकते हैं कितना है, सारी सब्जियां जो बच्चे नहीं भी खाते हैं वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, उनको भी बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो इस तरह से मैं ये सारी उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये नीचे से तो पक चुकी हैं, इन्हें पलट के ऊपर से फिर पका लेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, और उसके बाद फिर हम अब सर्व करेंगे इनको। तो ये रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, लुक वाइज बहुत अच्छी। और साथ में इसके आप चाहें तो रेड चटनी, ग्रीन चटनी, सॉस, कुछ भी आप इसके साथ में बच्चों को या बड़ों को दे सकते हैं। चाय के साथ परफेक्ट स्नैक्स है आपके लिए ये। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।